देश में लॉकडाउन के बीच कई हिस्सों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या में पॉजिटिव आने के बाद से एक वर्ग विशेष को टारगेट करने की कुछ घटनाएं सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाईचारे की अपील के बाद भी कुछ लोग इसे मानने को तैयार नहीं है और बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं ऐसा ही एक वीडियो भाजपा के विधायक का सामने आया है इस वायरल वीडियो में वो सब्जी खरीदने को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं ये वीडियो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज विधानसभा सीट के भाजपा विधायक सुरेश तिवारी का है वायरल वीडियो में विधायक सुरेश तिवारी कह रहे हैं कि एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग मैं सबको बोल रहा हूँ ओपनली कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं खरीदेगा विधायक जब ये बात कर रहे हैं उसी वक्त पीछे से कोई उन्हें बताता है कि दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ है दरअसल दिल्ली में एक शख्स ने एक सब्जी बेचने वाले का नाम पूछकर उसकी पिटाई शुरू कर दी थी क्योंकि वो मुस्लिम था इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया हालांकि इस तरह की घटना देश के दूसरे हिस्सों से भी सामने आ रही है हाल ही में जमशेदपुर से फल दुकानों पर विश्व हिंदू परिषद के पोस्टर की तस्वीरें सामने आई है इन पोस्टरों में हिंदू फल दुकान लिखा गया है और फलों की दुकान पर लगाया गया है पोस्टरों को लेकर जमशेदपुर पुलिस ने लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किए हैं सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स